आज आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण बचाओ आंदोलन को लेकर शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनावों को लेकर जो आरक्षण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया था उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ये सरकार पिछड़ों की विरोधी है, दलितों की विरोधी है, समाज के हर कमजोर व्यक्ति की विरोधी है, इसलिए इन्होंने आरक्षण में गड़बड़ी की है। जानबूझकर आरक्षण के अंदर पिछड़ों को मौका नहीं दिया गया है। कई सारी PIL उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के अंदर दाखिल हुई और कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए ये कहना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि यदि आप पिछड़ों को उनका हक नहीं दे सकते तो बिना आरक्षण के ही चुनाव करा दें या फिर एक कमीशन बनाकर पिछड़ों को सही तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण दिया जाए। हमने देखा कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की योगी सरकार काम कर रही है। हर मोर्चे पर नजर आता है कि ये दलितों के, कमजोरों के, पिछड़ों के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग के लोग नुमाइंदगी करें, कुर्सियों पर जाएं, सभासद बने, अध्यक्ष बने और समाज के मुद्दों को उठाएं। इसलिए इन्होंने जानबूझकर गड़बड़ घोटाला किया है और कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए इनके नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी पिछड़ों के सम्मान में लगातार मैदान में खड़ी है और पिछड़ों के हक में आवाज को बुलंद कर रही है। यदि कमीशन बनाकर सही तरीके से पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं दिया गया तो आम आदमी पार्टी और बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतरेगी और इस भाजपा सरकार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। आज हमने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और ये मांग की है कि वो हस्तक्षेप करें इस मामले में और पिछड़ों को उनका हक दिलाएं इस भाजपा सरकार से, ताकि पिछड़ों के लोग भी कुर्सियों पर पहुंचे और अपने समाज की आवाज को उठा सके।